तो ना आई ना। और तो दोस्तों देखिए, हम जो है आ चुके हैं ये सिपाह के पास, और सिपाह के पास ये जो लोधी का मकबरा, जमाल खान लोधी जो कहे जाते हैं उनका मकबरा, ये जो है अफगानिस्तान से आए थे और ये टीचर बने थे। और क्या क्या हिस्ट्री है सारी चीज़ें अभी हम आगे चल के आपको बताते हैं। और ये रोड आप देख सकते हैं, आपको अगर कभी आना होगा तो यहाँ पे इस रोड के सहारे, वहाँ पे एक गली सामने धर्म काटा लिखा हुआ है, वहाँ से अंदर की तरफ जाना होगा। तो आइए लिवाकर चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं जमाल खान लोधी का वो मकबरा। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये रोड को पार कर रहे, मतलब इधर रुके हुए थे, थोड़ा होटल था, पानी नहीं पी रहे थे, और वहाँ पे अभी बस जस्ट वही धर्म काटा डाकेंगे, उसके बगल में ही है, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं होगा। ये पीपा करके रोड पे गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं, कहीं लड़ ना जाए। तो ये देखिए धर्म काटा यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये एरिया है पूरा, इस तरह से इसके अंदर जाना है। पैसा बकिया है मर्दों का, 50,000 रुपया बकिया, कहाँ गायब है तू? अरे मीडिया वाले हैं, देख। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गांव है, यहाँ पे ये गांव है, और जो है यहाँ के गांव के लोग भी ठीक ठाक है। लेकिन ये जो मकबरा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये इतनी ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुका है, इतनी ज़्यादा खस्ता हालत में हो चुका है कि मतलब कि अभी उसको थोड़ा सा मरम्मत की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करेंगे, आगे भेजेंगे, तो इस जो 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 ये मकबरा है इसकी भी सेवा हो सकेगी। तो आइए जो है मकबरा को आपको करीब से दिखाते हैं, और उसके पास जो है लेकर चलते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। और ये जो मकबरा है ये बना था अफ़गानिस्तान से, आए थे सिकंदर बादशाह जो थे उनके बेटे को पढ़ाने के लिए एक टीचर जो आए थे, जिनका नाम था जमाल खान लोधी, तो उन्हीं का ये मकबरा है, मतलब कोई कब्र जिसे कहते हैं, बस उसको बड़ा सा दे दिया जाता है तो उसको मकबरा नाम दे दिया जाता है। ये इतना मतलब कि खस्ता हालत में अभी हो चुका है। आइए थोड़ा पास से इसको दिखाते हैं, दूर से तो चीज़ें छोटी लगती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए। तो देखिए ये लोग जो है यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और ये बलोच एरिया बोली जाती है, जौनपुर में बलोच टोला जो है बोला जाता है। अच्छा अच्छा, तो आपकी उम्र क्या है? थर्टी सिक्स आपकी उम्र है। अच्छा, तो इसको जो है कोशिश करिए कि ये जो है थोड़ा सा अच्छी हालत में आ जाए, थोड़ा ये जो घास और ऊपर लगी हुई है ना, ये सब की कभी टाइम निकाल के कई पूरा गांव मिल के, क्योंकि ये सब चीज़ें जब शाही होती है तो गांव का एक नाम होता है, तो ये सब चीज़ें के लिए थोड़ा सा ध्यान करें। और क्या नाम है? फैजान। फैजान, हाँ। क्या करते हो? हम तो कुछ नहीं करते, अभी पढ़ते हैं। कितने में? 12 पढ़ते हो, माशाल्लाह। कहाँ तक पढ़ाई करने की इरादा है? बस अभी यही छोड़ देंगे इसके आगे। तब फिर क्या करोगे? काम धंधा देखेंगे, कोई जॉब करेंगे छोटा मोटा। अगर कोई पढ़ाने वाला हो, जैसे कि घर की हालत ठीक ठाक नहीं है, तो यही बात नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चे जो है क्रिकेट वगैरह यहाँ पे खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ देखो? हाँ, ये देखिए केला चप्पल है। तो वहाँ सामने भी आप देख सकते हैं, जैसे कि वो जो एक दो मजार है, ये इन्हीं के साथी थे, मतलब कि जो जमाल खान लोधी थे उन्हीं के साथी थे, और उनकी भी मजार वहीं है। और उसके बाद जो है ये जमाल खान लोधी की मजार है, जमाल खान लोधी की मजार है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही पुरानी जो है मजार है। आप इनकी हिस्ट्री जो है जमाल खान लोधी करके आप गूगल पर देखेंगे तो आपको एक पूरी अच्छी सी हिस्ट्री मिलेगी। और ये जो आपको गड्ढा सा दिख रहा है ना, ये बताया जाता है कि इनकी जो नौकरानी थी ये उनका मकबरा है, ये जो गड्ढा सा हो गया है। और यहीं पे पास में जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनके घोड़े का, अच्छा अच्छा, ये इनके घोड़े का जो है मकबरा है, ये मजार जो बनी हुई है उनके घोड़े की मजार जो है, कब्र बनी हुई है ये। तो इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, मतलब कि हिफाजत से तो हैं, लेकिन थोड़ा सा मरम्मत की ज़रूरत है, इन लोगों को साफ़ सफाई की ज़रूरत है। नहीं, सरकार को ये चीज़ जो है सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें शाही, ये सब चीज़ें शाही, बात तो आपकी सही है, बट सरकार पहले मंदिर बनवा ले, तब मस्जिद वगैरह बनवाएंगे। दब गया है, कौन सी बीबी का कब्र यहीं पे है, दब गया। अच्छा, ये हाँ यहीं पे दबा हुआ है। हाँ, उनकी बीवी का है।
यहाँ पे जो है उनकी बीवी की जो है कब्र है, ये जमाल खान लोधी की। ये देखो ये दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है जमाल खान लोधी की बीवी की कब्र है, यहाँ पे दब गया। अच्छा अच्छा, अपनी नौकरानी को बगल में रखे, बीवी को दूर रखे, उनकी नौकरानी का जान बचाई थी ना। ओ अच्छा, तो इस वजह से जो है नौकरानी को बगल में रखे और बीवी को जो है थोड़ा दूर रखे हैं।